भाई नमस्कार है सभी भाइयों को, बहनों को एवं सभी लोगों को, जो भी लोग मुझे इस वीडियो में दुनिया में किसी भी स्थान से किसी भी जगह से सुन रहे हैं। आप सभी लोगों का सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। इस वीडियो में आप सभी लोग आए ये देखने, ये जानने कि क्या इस वीडियो में बताया जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये वीडियो इंडिया के लोगों के लिए खास रहेगा, भारत देश के लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी खास होगा। जैसा कि आप लोग जानते ही हो, एवरी ईयर हर साल होने वाली इंडिया कंट्री में IAS और IFS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि आपके IAS और IPS, ओ सॉरी IFS, ये दो तरह के अलग अलग सर्विस होते हैं जो UPSC द्वारा यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। ये कमीशन जो है ना वो ऑल इंडिया लेवल का जो सर्विस होता है, जैसे कि आपका एक बड़ा एग्ज़ाम आप जानते ही हो UPSC, जो कि CSE एक एग्ज़ाम होता है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम, जिसके अंदर आपके IFS आता है, IAS आता है और IPS भी उसी में आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, IAS वाले एग्ज़ाम को ही देना होता है IPS के पोस्ट के लिए भी, और IFS का अलग होता है। तो ये मैं सब इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप अगर इंडिया देश में रहते हो और अगर आपको ये जानना है कि आपको अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है और अगर वो ऑल इंडिया लेवल पर अगर बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट जॉब करनी है तो IAS टॉप पर आता है। IAS और IPS और IFS ये एक टॉप के वैकेंसियां हैं जो कि इंडिया देश में आज के समय पर रिक्रूटमेंट होती है, और हर साल इन वैकेंसियों को लेते हैं लोग, लाखों की संख्या में लोग फॉर्म भरते हैं और हजारों की संख्या में सिलेक्शंस होते हैं। ये यहाँ पर सिलेक्शन परसेंटेज है। लेकिन आप लोग इतना ज़रूर जान लो कि इस बार मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2023 वालों का, जिनका भी मेंस हो चुका है, प्री हो चुका है, आपको पता ही होगा आपके IFS में मेंस का रिजल्ट आ चुका है और IAS में फर्स्ट फेज जो इंटरव्यू का है वो चल रहा है अभी आपके भारत देश की दिल्ली जगह पर। ये कहाँ पर चल रहा है? ये आपके शाहजहां रोड है, ये एक न्यू दिल्ली में जगह है, भारत देश की जो राजधानी है, कैपिटल है दिल्ली, इस जगह पे एक जगह है धौलपुर, ये इस जगह पर, धौलपुर जगह पर शाहजहां रोड के वहाँ पर इनका जो है मेन ऑफिस है, UPSC का जो मेन ऑफिस है, जहाँ से वो पूरे इंडिया को ऑपरेट, बेसिकली इंडिया में अगर वो कोई भी काम करता है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, तो वो उसी ऑफिस से सारे सर्कुलर आउट होते हैं पूरे ऑल इंडिया बेस के लिए इस UPSC द्वारा, जो भी रिक्रूटमेंट UPSC द्वारा होते हैं। तो मैं सब दोस्तों आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपके इंडिया देश में हो रही IAS और IFS पोस्ट, IFS एग्ज़ाम के लिए जो रिक्रूटमेंट हो रही थी, मतलब कि इसका जो एग्ज़ाम आपका हुआ था उसके लिए जो एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होना है IAS वालों के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। आपने जिन लोगों ने भी IAS के लिए भरा था, आप लोगों का जिन्होंने भी मेंस पास करा है, इंटरव्यू के लिए अब जाने वाले हैं, अपना रिजल्ट आप लोग मेंस में देख सकते हो जो लोग भी पास कर चुके हैं, और सभी लोगों का सेकंड फेज। मैं आपको बता दूं दोस्तों, UPSC अलग अलग फेज में आपके इंटरव्यू लेता है, जैसे जैसे उसको, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं सिलेक्टेड हो जाते हैं, अगर कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं, और जो उनका नंबर ऑफ टाइम्स होता है कि हम इतने नंबर ऑफ टाइम्स को लेंगे कैंडिडेट्स को प्लस कट ऑफ, वो एक डिसाइड कर देते हैं, उसके बेस पर ये आप लोगों का इंटरव्यू कर लेते हैं। इंटरव्यू ये कहाँ करते हैं? भारत देश की दिल्ली जगह पर बुला लेते हैं। दिल्ली जगह पर एक ये शाहजहां रोड है, वहाँ पर मेन UPSC ऑफिस है, मेन वहीं पर बोर्ड है, वहीं पर आपको ये बुलाया जाता है, ठीक है? तो आपका सेकेंड फेज जो है वो आपका होने वाला है फेब्रवरी मंथ में, जब फर्स्ट फेज खत्म हो जाएगा इंटरव्यू का, उसके बाद तो उसके लिए स्केड्यूल आ गया है जो कि मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप लोग समझ लो, आप यहाँ पर देख सकते हो UPSC की वेबसाइट पे इंटरव्यू स्केड्यूल, ये आप देखिए, ये सेकेंड फेज का आया है दोस्तों। पहला फेज अभी चल ही रहा है, पहला फेज कब खत्म हो रहा है? ये 16 फेब्रवरी को खत्म हो रहा है, ठीक है भाई? अगर आप भाई इतना याद रखना, अगर आपका इन पहले वाले फेज़ में, तो जल्द से जल्द अपना देख लो कि आपका किस दिन है, आप लोगों को वहाँ पहुँचना ज़रूरी होगा क्योंकि ये पहले फेज़ में आप लोगों का हो जाएगा, फिर बाकी जो रह गए हैं 1000 के लगभग लोग हैं उनका सेकंड फेज़ में इंटरव्यू होगा, और एक एक कैंडिडेट का इंटरव्यू 5 5 10 10 मिनट या एक लंबे समय के बीच का चलता है। उसमें आपको मैं बता देता हूँ, इंटरव्यू के बारे में मैं आपको थोड़ा इस वीडियो में क्लियर करूँगा क्या होता है इंटरव्यू में, सारी चीज़ आपको क्लियर करूँगा। सबसे पहला तो आप ये समझो कि 16 फेब्रवरी को फर्स्ट फेज़ ख़त्म होना है, उसके बाद ये 2 दिन का गैप रख के 19 फेब्रवरी से सेकेंड फेज इंटरव्यू करा रहे हैं दिल्ली जगह के धौलपुर में, ये आपके शाहजहांपुर एक रोड है वहाँ पर, ये उस जगह पर
वहाँ पर ये कराने वाले हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। वैकेंसीज भी मैं अभी आपको क्लियर करूँगा 2023 में क्या आ गई थी। अभी 2024 का नोटिफिकेशन नहीं आया, हो अभी आपको महीने भर के अंदर उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा कि 2024 में कितनी वैकेंसीज आती हैं और किस तरीके से लोगों की रिक्रूटमेंट होती है आईएएस के लिए। आईएएस में अलग अलग पोस्ट होते हैं, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएम एसडीएम ही होता है आईएएस में। आईएएस में मैं आपको बता दूँ दोस्तों, एक वीडियो अलग से आपको बताऊँगा जिसमें मैं आईएएस की अलग अलग पोस्टें आपको क्लियर करूँगा कि एक्चुअल में इंडिया देश में आईएएस लोग कर क्या रहे, बेसिकली आईएएस लोग जो हैं वो कौन कौन से पोस्ट पर हैं। जैसे आप जानते हो एसडीएम डीएम ये सारे पोस्ट आपने सुने हैं ना, इसके अंदर भी 6 से 7 तरह के जो है इसमें वेरिएंट हैं, मतलब अलग अलग वेरिएशंस हैं, मतलब अलग अलग पोस्ट हैं आईएएस में भी आप देखोगे, और सेम आईपीएस में भी इस तरीके से वेरिएशन है। मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ एक अलग सेपरेट वीडियो देकर, तो आप लोग वहाँ से समझ सकते हो। ये बहुत अच्छे पोस्ट होते हैं इसमें, जिन भी लोगों को लेना हो आप लोग ले सकते हो। सबसे पहले आप इस वीडियो में ये समझ लो कि आपके सेकंड फेज का इंटरव्यू स्केड्यूल डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ आईएएस वालों का डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आईएफएस वालों का अभी नहीं आया है। जिससे कि आपको पता ही है कि आईएफएस वालों का अभी मेंस का रिजल्ट आया था 10 दिन पहले, जो आपके साथ आपको बताया गया था, तो उसके बिहाफ पर अभी आपका इंटरव्यू स्केड्यूल नहीं आया है। जब भी आएगा तो आपको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यूपीएससी का वेबसाइट अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे दिया है आपके स्केड्यूल का, आप लोग देख लो, अपना रोल नंबर चेक कर लो। प्लस याद रखें, रोल नंबर आपका अगर नहीं है इस लिस्ट में तो इसका मतलब ये है, और आप कहोगे कि भाई मैंने तो मेंस पास करा है, मैंने रिजल्ट देखा था, मेरा मेंस पास हुआ था, इंटरव्यू में मेरा नाम लिस्ट में क्यों नहीं है, ऐसे लोग होंगे बहुत से। तो इसमें ऐसा आपका कारण, भाई सिंपल मैं क्लियर कर दूँ, इसका साफ साफ कारण ये है कि आपने डीएएफ का फॉर्म नहीं भरा। एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है डीएएफ सेकेंड करके, एक फॉर्म होता है आईएएस में, ये आपके मेंस रिजल्ट के बाद आपसे भरवाया जाता है इंटरव्यू से पहले। ये आप लोग आप प्रेफरेंस देते हो कि आपको आईएएस में आईएएस चाहिए या फिर आईपीएस चाहिए या फिर किस पोस्ट को चाहिए, ये सब आपको प्रेफरेंस देनी होती है डीएएफ फॉर्म में। जो लोग नहीं भरते हैं उनको इंटरव्यू स्केड्यूल में नहीं बुलाया जाता है और उनका रिक्रूटमेंट से उनको बाहर करा जाता है, ये चीज़ें होती हैं। अगर आप लोगों को जानना है डीएएफ फॉर्म का, तो जब अब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो मैं स्क्रीनशॉट से भी इस चीज़ को क्लियर कर सकता हूँ आपको, अगर आप कहते हो तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूंगा। डीएएफ फॉर्म जरूरी चीज़ है दोस्तों, आप अगर मेंस और प्री पास कर लेते हो और उसके बाद इंटरव्यू से पहले डीएएफ फॉर्म नहीं भरते हो तो वो आपको रिक्रूटमेंट से बाहर कर देते हैं। ये चीज़ यूपीएससी ने पहले ही क्लियर कर रखा है, और ये चीज़ वो मेन डिटेल्ड नोटिफिकेशन में भी देते हैं, प्लस वो मेंस के समय पर भी ये चीज़ बताते हैं, और जब वो रिजल्ट देते हैं उस समय पर भी ये 2 से 3 बार आपको चीज़ें बताई जाती हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। इस बार अगर आप जानना चाहते हो, 2023 में आईएएस की वैकेंसी 1105 थी, ये वैकेंसीज दी गई थी जब इनिशियल स्टेज पर नोटिफिकेशन दिया गया था, तब 1105 वैकेंसीज दी थी पूरे इंडिया में सिलेक्शन के लिए। ठीक है, इसमें से इसके अलग थी आईएफएस की, आईएफएस में आप देखोगे ना फॉरेस्ट सर्विस वालों की 150 वैकेंसीज थी, तो यानी टोटल टोटल ये 1255 वैकेंसीज आई थी आईएएस और आईएफएस के अंदर टोटल इंक्लूडिंग। ठीक है, ये सिविल सर्विस का बता रहा हूँ मैं, तो आप लोग समझ लो। अब ऐसा नहीं है कि यूपीएससी सिविल सर्विस करा रहा है, यूपीएससी बहुत से बड़े बड़े एग्ज़ाम करवाता है और इसी के लिए यूपीएससी को पूरे इंडिया में जाना जाता है। यूपीएससी कोई एग्ज़ाम नहीं है भाई, यूपीएससी आप कहते हो यूपीएससी देना है यूपीएससी देना है, तो यूपीएससी कोई एग्ज़ाम नहीं होता। यूपीएससी तो एक कमीशन है, वो काफ़ी सारे एग्ज़ाम होल्ड कर रही है इंडिया में, एक बड़े एग्ज़ाम बड़े लेवल के एग्ज़ाम्स को, जिसमें से आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, और भी पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी, वो ये यूपीएससी करवाता है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, इसमें बहुत सारी जानकारी हमने डिस्कस कर ली है। यहाँ पे थोड़ा हम आगे चलते हैं, थोड़ा आप आगे देखोगे ये नोटिफिकेशन है, ये आपका 1 फरवरी में आ गया था, यानी आपको 10 से 15 दिन में सेकंड यूपीएससी सीएससी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जो कि अब देखिए इसमें दो नोटिफिकेशन अलग अलग होते हैं, आईएफएस का अलग होता है और सीएससी वालों का, मतलब जो आईएएस में जा रहे होते हैं उनका अलग नोटिफिकेशन होता है। इसमें डिफरेंस आपको समझना होगा। ठीक है, पोस्ट की बात करें तो पोस्ट तो यही वाली बढ़िया होती है, बाकी लोग उसमें भी इंटरेस्ट देते हैं, वो भी ऐसा कुछ है नहीं कि ख़राब है वो पोस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उस साइड में भी जा सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख लो कि आपको कैसे अप्लाई करना होता है, क्या सिलेबस होता है, सारा कुछ इसके अंदर है मेंशन। अगर आप लोग एक बार यूपीएससी सिलेबस प्रिपेयर भी कर लेते हो ना, आप लोगों को बहुत कुछ पता लग जाता है इंडिया देश के बारे में, बहुत सारी जानकारी आपको पता लगती है इसके बारे में। अब ऐसा नहीं है इस देश में यूपीएससी होता है, दूसरे देशों में भी वहाँ पर सिलेक्शन के लिए उनके अलग एग्ज़ाम्स होते होंगे, जैसे यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टों पर होता है। अब इन्होंने देखिए मेंशन भी करा है इसमें कौन कौन से पोस्ट आते हैं, आप देखोगे आईएएस आ जाता है, आईएफएस आता है, आईपीएस भी आ जाता है, और इसके बाद
ICAS आ जाता है, ग्रुप ए में सारे पोस्ट गैजेटेड होते हैं, ऑलमोस्ट सारे गैजेटेड पोस्ट होते हैं कुछ नॉन। अब देखो ये सारे पोस्ट ना बढ़िया बढ़िया होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट। आप देखोगे ना, आप इन पोस्ट को लोगे, आपका जो पूरा वो जो एरिया है जहाँ पर ये पोस्टिंग होती है, तो वहाँ पर आपके पास बहुत सारा जो है एक अच्छा जॉब रोल मिलता है, जॉब प्रोफाइल आपका हो जाता है। तो 1105 वैकेंसीज थी इसके अंदर, ये नोटिफिकेशन इसलिए दिखा रहा हूँ तो एक बार जो लोग नए हैं वो भी इस चीज़ को समझ लें, ठीक है भाई। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, उसका वीडियो आप लोग देख लेना जो प्रीवियस वाला है, प्रीवियस ईयर का। इस साल वाला भी मैं आपके साथ जल्द ही डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं फेज़ 1। फेज़ 1 आप देख लो, 19 दिसंबर में जो है आपके इंटरव्यू स्केड्यूल आया था, मैंने आपको बताया भी था कि 1026 लोगों का पहले फेज़ में इंटरव्यू हो रहा है, बाकी जो रेस्ट ऑफ बच गए हैं जो लोग, उनका सेकेंड फेज़ में होगा। अब वो लोग ये सोच रहे हैं कि उनका होगा नहीं, तो उनका भी होगा, उनका आ चुका है कि कब होने वाला है। तो ये 16 फरवरी को हो जाएगा क्लोज फर्स्ट फेज़ में। और ये सब कहाँ होता है, ये सब मैंने आपको अभी बताया, जैसा कि उसी जगह पर होता है, सभी को दिल्ली में आना होगा, ठीक है भाई। आप अगर इंडिया में कहीं से भी फॉर्म आपने भरा है, किसी भी जगह के सेंटर पे जाके एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट आपका अगर आ गया है, तो आप लोगों को दिल्ली में आना होगा इस इंटरव्यू को देने। इसके लिए इन्होंने कुछ इसमें ट्रेन के सफ़र, जो आप ट्रेन से आ रहे हो, इन सब से आ रहे हो, तो उसके लिए भी इन्होंने कुछ रखा है आपके लिए रिलैक्सेशन, तो वो मैं आपको भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है भाई। तो ये तो पहला फेज़ वाला है, इसके बारे में आप देख सकते हो। इनका पहला जो स्टार्ट हुआ था वो आप देखोगे 2 जनवरी से स्टार्ट हुए हैं इंटरव्यू 2023 वालों के, 2023 वालों के हैं आप देख सकते हो, ये 23 वालों के हैं, क्योंकि 24 वालों का तो अभी होगा, ठीक है, उनका भी शुरू नहीं हुआ है। तो 23 वालों के इंटरव्यू चल रहे हैं अभी, और 24 वालों का नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है। तो ये आप देख लेना सारी जानकारियाँ। तो ये पहला वाला फेज़ का इंटरव्यू है, इसमें लगभग लगभग 1026 लोगों का इंटरव्यू हुआ है अभी, तो इनका 26 फरवरी तक चलेगा, मिड फरवरी तक। अब हो सकता है इसमें बहुत से लोग जो अपीयर नहीं होंगे उनको बाहर करा जा सकता है, क्योंकि इंटरव्यू एक फाइनल सिलेक्शन के लिए इंक्लूड करे जाते हैं इंटरव्यू के मार्क्स, ये आपको पता होना चाहिए। चले हम सेकेंड फेज़ में चलते हैं। अभी आप लोग अगर ये सोच रहे हो आप मेन्स और प्री पास्ड हो, आप इंटरव्यू में नहीं जाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा भाई, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। ये आज की डेट का आप नोटिस देख सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट, आपका जो मेन्स का रिजल्ट था जो कि 8 दिसंबर को आया था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, उसके बेस पर आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हो, पर्सनैलिटी टेस्ट, कि आप अपने पर्सनैलिटी को टेस्ट करवाओगे वहाँ पर जो बोर्ड के लोग होंगे उनके सामने, जो कि यूपीएससी के बड़े ऑफिसर होंगे, बड़ा पैनल होगा, उनके सामने आप जाकर इस चीज को प्रेजेंट करने वाले हो 2023 का, ये विद इफेक्ट ऑफ ट्यूसडे। आप इन्होंने बताया है कि ये WEF विद इफेक्ट ऑफ, ये आपके 2 जनवरी से चालू हो गए, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। और अब आप देखोगे कि 1003 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो लोग रह गए थे, जिनका इंटरव्यू अभी तक नहीं, उनका स्केड्यूल नहीं आया है। तो आपको बता दूं, आपका स्केड्यूल आ चुका है, आपका 19 फरवरी से स्टार्ट करवा के 15 मार्च तक ये आपका इंटरव्यू करवा लेंगे 2024 में, ठीक है। इंडिकेटिंग देयर रोल नंबर, डेट एंड सेशन ऑफ इंटरव्यू इज गिवन बिलो, आपका सारा कुछ कि किस दिन और किस समय पर, दोपहर में होगा या सुबह में होगा, और रोल नंबर भी आपका दे दिया, आप लोग चेक कर लेना अपना रोल नंबर से, आपको पता लग जाएगा कि आप ही को जाना है। आपको अपना रोल नंबर प्रीलिम मेंस के एडमिट कार्ड पे देखने को मिल जाएगा, अपने ईमेल पर जब आपने फॉर्म भरा था, एडमिट कार्ड जब वहाँ से लिया था, तब आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। प्लस यूपीएससी पे आप लॉग इन करके भी अपने एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में जाकर अपने जो है इसको देख सकते हो, अपने रोल नंबर को, अगर आप लोग भूल गए हो, आप लोग अगर एडमिट कार्ड खो चुके हो तब भी आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है भाई। अपना रोल नंबर तो आपको पता होना ही चाहिए, नहीं पता तो आप इस तरीके से ढूंढ लो, क्योंकि रोल नंबर से ही आप पता करोगे कि आपका नाम इधर है। हालांकि ये आपको एक ई समन यानी एक मेल टाइप का करेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल आप कह लो या मैसेज आपके पास सेंड करेंगे, जिसको ई समन कहा जाता है। बेसिकली समन बेसिकली ये होता है कि आपको आना है किसी जगह पर, आपको बुलाया जा रहा है किसी काम के लिए, तो वो समन हो गया। अब ई समन मेन ये हो गया कि कोई प्रैक्टिकली आपको वहाँ पर वो आके नहीं देने वाला कोई चीज़, आपको एक डायरेक्ट, आपको जैसे मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉनिकली डिस्कस कर रहा हूँ चीज़ें, उसी तरीके से वो आपको आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, कोई भी इंटरव्यू लेटर अलग से नहीं आएंगे, हालांकि पहले आते होंगे, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो आज के समय पे टेक्नोलॉजी का जो जमाना है उसके चक्कर में इस तरीके से होगा, ठीक है। और ये पहले से पिछले साल भी इस तरीके से रहा था। और देखिए रिपोर्टिंग टाइम, मतलब आपको पहुंच जाना है फॉरनून सेशन के लिए इज 9 बजे, 9 बजे सुबह पहुंच जाना, जो सुबह वाले शिफ्ट में अपना इंटरव्यू देने वाले हैं। आफ्टरनून मतलब दोपहर में 1 बजे आपसे पहुंचना होगा, आपको 1 बजे के बाद 2 या 3 बजे से वो आपका इंटरव्यू शुरू कर लेंगे, ठीक है। पीटी जो आपका रहेगा, स्केड्यूल फॉर द रिमेनिंग कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ड्यूरिंग द 3rd वीक ऑफ, ठीक
ठीक है, अभी भी देखोगे आप अभी बहुत लोग, ये इन्होंने सेकंड फेज दिया है, अभी इंटरव्यू इसमें और भी आगे लोगों का होगा, तो इंटरव्यू अभी थर्ड फेज का भी आएगा, अभी बहुत लोग इसमें और ऐसे भी हैं, अभी 1026 बच्चों के कैंडिडेट्स के, मैं बच्चों बोल रहा हूँ बेसिकली कैंडिडेट्स हैं आप लोग, आप लोगों का जो इंटरव्यू है वो 1026 लोगों का तो चल रहा है, 1003 कैंडिडेट्स का जो है वो 19 फरवरी से 15 मार्च तक होगा, और 15 मार्च के बाद ये 2-3 दिन का फिर से गैप रख के थर्ड फेज का निकाल के आपको वहाँ से इंटरव्यू करवाने वाले हैं यूपीएससी मेन आपके ऑफिस में। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा किस तरीके का पैनल होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले आप ये देखो, थर्ड वीक मतलब क्या हो जाता है, यानी कि ये आपको देंगे 20 फरवरी के भी बाद, ये आपको देंगे जब सेकेंड फेज का इंटरव्यू चल रहा होगा उस दौरान, ये आपको थर्ड फेज वालों के लिए आपको बता देंगे कि आपका कब से होने वाला है। तो आप लोग रेडी हो जाओ, आपको समय मिल रहा है, इसके अंदर ई समन लेटर जो रहेगा पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए इन सभी कैंडिडेट को, वो शॉर्टली अवेलेबल कराएंगे ये लोग, शॉर्टली मतलब हो सकता है 2 से 4 दिन में अवेलेबल करा दें, विच में भी डाउनलोडेड, आप कमीशन यानी यूपीएससी के वेबसाइट पर जाके अपना ई समन कि आपका इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट जो आपका है उसके लिए आपको जाना है, आपका नाम, आपको किस जगह जाना है, किस समय जाना है और क्या क्या ले जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज, आप याद रखें जो भी आपके रोल नंबर के आगे डेट दी है और जो समय दिया है उसी दिन आपका इंटरव्यू होगा। इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट कि जिन भी कैंडिडेट ने अपना DF सेकेंड का फॉर्म नहीं भरा है विद द दिए गए समय में जो कि भरवा लिया गया है, तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो गया, उनको अपना नाम लिस्ट में नहीं देखने को मिलेगा और उनको कोई समन लेटर भी नहीं आएगा कि आप लोग अपियर हो जाओ इंटरव्यू के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको रहनी चाहिए याद। ये मैंने आपको 8 दिसंबर में क्लियर कर दिया था कि आप सभी लोगों को DAF फॉर्म भरना जरूरी है और ये हर साल वालों को भरना होता है। कैंडिडेट अपियरिंग फॉर इंटरव्यू विल बी ग्रांटेड रीएम्बर्समेंट टुवर्ड्स ट्रैवलिंग, देखिए कैंडिडेट जो चाह रहे हैं इंटरव्यू में जाएंगे विल बी ग्रांटेड रीएम्बर्समेंट टुवर्ड्स ट्रैवलिंग एक्सपेंसिस फॉर अपियरिंग इन द इंटरव्यू विच विल बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द सेकेंड क्लास, जो आपके आपको पता ही है ट्रेन्स के अंदर ये अलग अलग क्लासेस बनाई हुई हैं, सेकेंड क्लास ट्रेन फेयर होता है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, ये सेकेंड क्लास बेसिकली AC को कहा जाता है, सेकेंड क्लास जो आपकी पूरा जो वो होता है आपका बर्थ होता है बेसिकली, क्या बोलते हैं उसको, जो आपका ट्रेनिंग में जो होता है ट्रेन के अंदर जो होता है ना उसमें इन्होंने सेकंड क्लास थर्ड क्लास AC के हिसाब से बना रखा है। तो सेकंड क्लास ट्रेन फेयर या फिर आप स्लीपर, या फिर स्लीपर मतलब जो फुल सीट होती है पूरी ट्रेन के अंदर, जो कि स्लीपर मींस कोई भी जो भी जा रहे हैं वो स्लीपर मतलब वो सोकर भी जा सकते हैं इस तरीके से, तो स्लीपर क्लास हो गया या फिर सेकेंड क्लास की बात करें, इन दोनों के ट्रेन का फेयर जो है मेल एक्सप्रेस का आपको मिल जाएगा, ओनली टू मेल एक्सप्रेस जितनी भी ट्रेनें हैं, आप जिधर भी इंटरव्यू इधर इंटरव्यू देने दिल्ली आओगे पूरे इंडिया में कहीं से भी, तो आपको मेल एक्सप्रेस में आपको सेकेंड क्लास AC और स्लीपर क्लास के लिए आपको आपको अलाउ कर रहे हैं। इन केस द कैंडिडेट परफॉर्म देयर जर्नी, अगर वो अपनी जर्नी करता है, मान के चलिए हर कैंडिडेट को मिल रहा है फ़ायदा, आप देख सकते हो इसमें आपने इन्होंने बताया है, मान के चले कैंडिडेट फर्स्ट क्लास AC से आ रहा है, इस आ रहा है या आ रही है कोई भी मेल महिला है पुरुष इंटरव्यू देने कहीं भी इंडिया से, और लेकिन वो फर्स्ट क्लास AC से आ रहे हैं या दूसरे किसी क्लास से आ रहे हैं ट्रेन में, तो उन लोगों को नहीं मिलेगा फ़ायदा। द सेम विल बी वही चीज़ें हैं दोस्तों आपकी एंड द कमीशन गाइडलाइन और अवेलेबल ऑन द कमीशन वेबसाइट। तो ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर्म जो आपका रहेगा ना फॉर कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट हार्ड कॉपी और प्रिंट आउट ऑफ बोथ वेज टिकट, आप दोनों जगह आप जाओगे और आओगे, पहले तो खुद से खर्चा कर लोगे आने जाने का, और उसकी जो टिकट होंगी ना जितना भी आपका प्राइस होगा वो आपको मिलेगा, शोइंग द डिटेल्स ऑफ फेयर अलॉन्ग विद द प्रेस्क्राइब TA ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम फॉर्म फिल्ड इन द डुप्लीकेट द TA विल फॉर्म आर अवेलेबल एट देखिए UPSC के वेबसाइट पे आपको एक फॉर्म्स और डाउनलोड का सेक्शन मिलेगा, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर एक फॉर्म्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन है ना, इसमें आपको ट्रैवलिंग अलाउंस का फॉर्म मिल जाएगा, उसको आप भर लेना, ठीक है, हाँ आप लोग उसको भर लेना और आप लोग अपना ये आने जाने के बाद आप लोग वहाँ पे वो भी मेंशन कर देना कि आप कहाँ से गए, किधर से गए, किधर को आए, ये सारी चीज़ें, कितना आपका फेयर लगा सब कुछ, और इसको जमा करोगे UPSC में, UPSC द्वारा ये आपको फेयर मिल जाएगा जो भी आपका लग रहा है, ठीक है, सेकेंड क्लास और स्लीपर क्लास वालों का, ठीक है। 1003 कैंडिडेट के लिए आया और इसके पहले वालों को भी ये फेयर के लिए अलाउड किया गया था, ठीक है, सभी को अलाउड कर रहे हैं जितने भी लोग हैं इन सभी को ये करेंगे अलाउड। बाकी आप एक बार नोटिस नंबर ये SR 132 पढ़ सकते हो, उसके हिसाब से उसमें लिखा है कि किस लोग को किन को अलाउड करा जा रहा है, किन को नहीं करा जा रहा, तो आप वहाँ से रीड कर सकते हो। मैं आपको बता दूँ 01140230 ये मंडे के दिन 19 फरवरी को ये फोरनून में आप देखोगे, यानी कि सुबह में ये इंटरव्यू हो जाएगा इस रोल नंबर वाले कैंडिडेट का, ये महिला पुरुष जो भी हो, सेम आप सेकंड रोल नंबर देख लोगे इनका भी इस तरीके से इंटरव्यू होगा, ये आपका देख रहे हो आप ये सारी लिस्ट। थोड़ा आगे चलते हैं,
आप देखोगे सेम ये 28 फरवरी में आफ्टरनून में 1 बजे में हो रहा है ये स्टॉल नंबर का इंटरव्यू, और इस तरीके से आपका इंटरव्यू जिस समय आपको बोला है उसी समय आपका इंटरव्यू होगा। थोड़ा इसमें हम आ जाते हैं लास्ट पेज पे, तो ये पूरा इंटरव्यू का स्केड्यूल आपका आ गया है कि किस दिन होना है। अब इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आपको थोड़ा उसका प्रैक्टिस कर लेनी है, उसका प्रीवियस ईयर का थोड़ा देखो लोगों का इंटरव्यू कैसे हुआ, थोड़ा वीडियोज़ देख लो या फिर आप जो है इसके आर्टिकल्स थोड़ा रीड कर लो तो आपको समझ आ जाएगा कि इंटरव्यू कैसे हो रहा है दिल्ली जगह पर। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि इंटरव्यू में होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इंटरव्यू में ना पाँच पाँच चार से पाँच मेंबर्स बैठ जाते हैं पैनल वाइज, मतलब उनके पांच चार पांच मेंबरों का पैनल होता है ठीक है। और वो सब करते क्या है, उनमें से एक यूपीएससी के मेन ऑफिसर ऑफिसर होते हैं उस बोर्ड के, जो यूपीएससी बोर्ड के मेन ऑफिसर्स में से कोई एक होते हैं, और बाकी भी बड़े ऑफिसर्स ही होते हैं वो पैनल के अंदर होते हैं। वो चार से पाँच लोग आपसे आपको बुलाएंगे वन बाय वन रोल नंबर वाइज, और आपका फिर इंटरव्यू कर लेंगे, और उसके बाद कुछ समय महीनों बाद जब उसका रिजल्ट आएगा तो वहां से आपको पता लगेगा कि आपके इंटरव्यू में मार्क्स कितने हैं, और इंटरव्यू और मेन्स के मार्क्स आपका यूपीएससी में सिलेक्शन दिलवा देते हैं। इस तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाता है, और फिर आपको उसके बाद ये ट्रेनिंग का प्रोसेस रहता है, और उसके बाद आपकी फिर पोस्टिंग होने के बाद ये वैकेंसियाँ रहती हैं। तो इस तरीके से इंडिया में ये पोस्टों पर रिक्रूटमेंट चलती है। तो मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं, ये सब आप देख लेना एक बार, और मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही आपसे किसी नए टॉपिक में। आप लोग शेयर जरूर करा करो दोस्तों पूरे विश्व में इस जानकारी को, पूरे इंडिया में खासकर। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।